अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होपफुली अब तक तो ठीक ही होंगे। और बाकी अगेन वही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से, इस बीमारी से दूर रखे। रोज़ बर रोज़, डे बाय डे, जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन भी है। तो आप स्पेशली, हम तो ये, आप तो बेटा घर में हो तो स्पेशली हमारे लिए भी दुआ किया करो कि हम रोज़ आते हैं ट्रैफिक में या ऑफिस वगैरह में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको आपने ज़रूर लेना है, इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। ये बात, ये कंपेन हमेशा चलती है और दूसरों को भी यही ताकीद करनी है। और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको एक सेंसिबल वे से लेके चलना है, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करनी। और खैर, हम आ जाते हैं अब फिजिक्स पे। हम बात कर रहे थे अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक्यूरेसी क्या है और इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हमें इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है कि वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर क्या है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। मैंने कहा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड है वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर में। सुलेमान को दिया हुआ मैंने इंस्टॉलमेंट। वर्नियर कैलिपर, सो वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, ये कमेंट्स मेरे सामने कीजिएगा। सलाम दुआई करनी है अपने शहजादे बच्चों के साथ। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज जीरो एरर। जी, सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दुनिया में जब भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी चीज़ को, आप भी डेली लाइफ में जब भी किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जाता है क्या इसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टोर में मेडिसिन लेने के लिए जाते हो तो वहां पे एक आपका मैस मेयर करने के लिए मशीन बड़ी होती है, तो सबसे पहले उसको रीसेट किया जाता है जीरो पे। सो टू चेक द, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा क्या करते हैं, एरर चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑन है, ऑफ है, क्या सिचुएशन है कि वो जीरो से ज्यादा वैल्यूज पे है या जीरो से कम वैल्यूज पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें एरर फाइंड करते हैं। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी किस्म का कोई एरर हो, एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी किस्म का एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर कहलाता है। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किसी भी किस्म का एरर जीरो एरर कहलाता है। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर मौजूद होता है उस एरर को हम जीरो एरर का नाम देते हैं। सपोज अगर हमें उस एरर का पता चल जाता, एरर क्या मतलब, जैसे मैंने कहा कि अगर वेट मशीन है, हालांकि मैश मेयर कर दिया, आप फर्ज करो उस पर आप जब खड़े होते हो तो वो 10 kg पे था, खड़े होने
से पहले, जब आप उस पर खड़े हुए उस पर वैल्यू आ रही है 80 kg, लेकिन इसका मतलब है आपका जो रियल मैस है वो 70 kg है, 10 का उसमें एरर है, 10 का उसमें एरर है, आवाज नहीं आ रही। सो देखो बेटा, ये मशीन के अंदर कोई भी किसी किस्म की खराबी की वजह से, हमारी गलती की वजह से, या इंस्ट्रूमेंट की अपनी किसी गलती की वजह से उसमें किसी भी किस्म का एरर आ जाना, डेट इज कॉल्ड द जीरो एरर। हम उसको नाम दे देते हैं जीरो एरर का। एनी एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। बेटा आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? आप अपना पेज रिफ्रेश करके देख लें, वीडियो क्वालिटी को चेंज करके देख लें। माशाल्लाह से 45 है जी। एनी एरर 46, एनी एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स कि आज हम 50 मारेंगे इंशाल्लाह। सो एनी एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी किस्म का मयरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर होना जीरो एरर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें एरर का पता चल जाए तो हमें क्या करना है? इफ वी फाइंड द जीरो एरर, इफ वी फाइंड द जीरो एरर, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास जीरो एरर आ जाता है, सो इट इज नेसेसरी दैट जीरो करेक्शन मेड, कि हमें सबसे पहले नोइंग द जीरो एरर जीरो करेक्शन करनी पड़ेगी। देन जीरो करेक्शन विल बी मेड, जीरो करेक्शन की जाएगी, उस एरर को ठीक किया जाएगा। जैसे कि अगर इस तरह की मशीन मेरे सामने आती है तो सबसे पहले उसको मैं सेट करके 0-0 पे लेके जाऊं। अगर 0-0 पे लेके नहीं भी गया तो मुझे पता है कि 10 केजी का इसमें एरर है, जो भी वैल्यू आएगी जब उसमें से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिलहाल तो मेरे पास बेटा वर्नियर कैलिपर अभी यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन होपफुली के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैं वर्नियर कैलिपर भी दिखा दूंगा। सो मेरे बच्चे, एरर को ठीक करना, जीरो एरर को ठीक करना हमारे पास कहलाता है जीरो करेक्शन। हमारे पास क्या कहलाता है? जीरो करेक्शन। अब इसके बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या ताल्लुक है जीरो एरर का और जीरो करेक्शन का, क्या ताल्लुक है जीरो एरर और जीरो करेक्शन का, वो हमें देखना है। सो जीरो एरर इज द नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन, जीरो एरर इज द नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन का उलट होता है जीरो एरर, कि अगर एरर आपके पास नेगेटिव आए, मतलब कुछ वैल्यूज माइनस में आ रही हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको वो वैल्यूज प्लस करनी पड़ेगी। जैसे कि ये एरर प्लस का था, 10 केजी आ रहा था, हमें अपनी वैल्यू में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था। तो ये बात मैं कर सकता हूं कि अगर आपके पास एरर पॉजिटिव है तो उसकी करेक्शन करते हुए उसकी करेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। और अगर आपके पास एरर नेगेटिव है, जी मेरा बेटा, क्वेश्चन बड़ा मजे का किसी ने की है कि जी हमें जीरो एरर का पता कैसे चलेगा, इसका जो नेक्स्ट अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो वही हमें बात करनी है कि जीरो करेक्शन का हमें पता कैसे चलेगा। सबसे पहले तो हमने जस्ट डिफाइन किया है कि जीरो एरर किसे कहते हैं। किसी भी किस्म का एरर होना किसी भी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट में इज कॉल्ड द जीरो एरर, इज कॉल्ड द जीरो एरर। और जब हमें जीरो एरर का पता चल जाता है तो हमें उसकी करनी होती है जीरो करेक्शन, हमें उसकी करनी होती है मेरा बेटा जीरो करेक्शन। सो एनी एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, एनी एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। इफ वी फाइंड द जीरो एरर देन जीरो करेक्शन शुड बी मेक। ये जी हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आज 50 हो गए हैं, और 50 किस दो भाई फिर 49 पे हो गए। तो जैसे मैंने माशाल्लाह बोला फिर 48 पे पहुंच गए, तो ऐसी बात नहीं कि माशाल्लाह की वजह से कम हुए।
अगेन ये स्ट्रेंथ माशाल्लाह 50 को आज हमने हिट कर ली है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। नो इशू जवेरिया बेटा, मैं दोबारा से बता देता हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने से पहले हमें सबसे एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। जी, एरर की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले, वीडियो स्टक हो गई है, वीडियो हैज बीन स्टक। नो सर, क्लियर है, थोड़ा सा स्टक। ये क्या इशू है, जरा देखिएगा, अब क्लियर हो गई है। जैसे ही मैंने बहुत बड़े इंजीनियर को अभी कॉल की है कि वीडियो को आगे ठीक करे, तो उसका ऐसा इंप्रेशन बढ़ा है कि वीडियो बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या बात है, चलें भाई। सो उसके बाद हमें यह पता चला कि अगर हमें एरर का पता चल जाता है तो हमें क्या करनी होती है, जीरो करेक्शन। इफ यू फाइंड द जीरो एरर देन वी हैव टू मेक द जीरो करेक्शन। देन इसके बारे में जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई वो मेरा बेटा ये थी कि जीरो एरर इज द नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन। जीरो एरर इज द नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन। जीरो एरर इज द नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन। जी 53 माशाल्लाह। खैर मेरा बेटा, हमने कहा कि अगर एरर पॉजिटिव हो तो करेक्शन नेगेटिव होती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए इन जनरल बात बताई जा रही है। और अगर एरर नेगेटिव हो तो उसकी करेक्शन हमारे पास पॉजिटिव होती है। अब मेरे बेटे, हमें जो चीज देखनी है वो क्या है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर है। सो वर्नियर कैलिपर का एरर कब होगा, कब नहीं होगा? होगा तो वो पॉजिटिव कब होगा, और अगर होगा तो वो नेगेटिव कब होगा? लो जी, हु इज जीरो एरर? नहीं, जीरो एनी एरर इन द मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर। हु इज जीरो एरर? हाँ, मे भी हो सकता है थोड़े डिले से मिलते हो। फातिमा कह रही सर आपको हमारे मैसेज थोड़ी देर से मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन की और वर्नियर कैलिपर के बारे में। देखो भाई, जीरो एरर की तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये, जब जीरो एरर ना मौजूद हो, किसी किस्म का मयरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद ना हो, तो हम उस वक्त कहते हैं कि जीरो एरर जीरो है। जीरो एरर इज जीरो। अगर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का कोई एरर मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि जीरो एरर जीरो है। और अगर हमारे पास एरर हो, देन वो एरर दो तरह से हो सकता है। वो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है। सर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, बैड पिक्चर क्वालिटी, सर मैसेज लेट हो रहे हैं। बेटा आपके मैसेज भी मेरे तक आ रहे हैं और मैसेज लेट भी नहीं हो रहे, और वीडियो क्वालिटी भी फिलहाल ठीक है। आप अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज करके देखें, क्योंकि मेरे सामने जो स्क्रीन होती है मैं उस पर यह चीज ऑब्जर्व कर सकता हूं कि आवाज है या नहीं है या क्या प्रॉब्लम है। जी मेरा बेटा, तो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, आपका अपने इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी वीडियो स्टक हो जाती है। सो मेरा बेटा, जीरो एरर अगर हो तो वो दो तरह से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अब हम बात करते हैं
हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर नहीं है और वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर है तो कैसे है? आपने वर्नियर कैलिपर को लिया, वर्नियर कैलिपर को लिया, हमारे पास वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह से है। अगर आप अपनी पेज नंबर 11 को देखें, फिक्स स्केल को हम मेन स्केल का नाम देते हैं जबकि मूवेबल स्केल को हम वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। फिक्स स्केल को हमने मेन स्केल का नाम देते हैं जबकि मूवेबल स्केल को हम वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। अब मेरे बेटे, अगर मैं ये फर्स्ट रीडिंग जो होती है ना वर्नियर स्केल पे, ये कहलाती है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। जो फर्स्ट रीडिंग गिवन है वर्नियर स्केल पे वो कहलाती है जीरो वर्नियर स्केल, और मेन स्केल की भी फर्स्ट रीडिंग जो जीरो है वो कहलाती है जीरो ऑफ मेन स्केल। अब हमने वर्नियर कैलिपर्स के जांच को फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लोज द, अब जीरो एरर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा मेरा बेटा, फायदे की बात नहीं लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट, हम हमेशा जब भी साइंस की बात करते हैं तो जो चीज इंट्रोड्यूस हुई, कब हुई, हम उस हिस्ट्री को जरूर पढ़ते हैं। हम बीम बैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आ गए हैं लेकिन हमें कॉन्सेप्ट बेसिकली कहां से मिला उस चीज को तो हम नहीं ना भूल सकते, इसलिए हम वर्नियर कैलिपर मैकेनिकल भी पढ़ते हैं। सो क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। आप वर्नियर कैलिपर्स के जॉज को जेंटली क्लोज करें। अगर आप उसको जेंटली क्लोज कर, दरमियान में कोई भी चीज प्लेस नहीं की, जीरो एल चेक करने के लिए दरमियान में कुछ नहीं करना, आपने जब उसको जेंटली क्लोज किया तो हम अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप दो चीजें ऑब्जर्व करोगे, एक जीरो ऑफ वर्नियर स्केल और दूसरी जीरो ऑफ मेन स्केल। एक आप जो चीज चेक करेंगे वो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है और दूसरी जो चीज चेक करेंगे वो जीरो ऑफ मेन स्केल है। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है भाई, कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल दोनों एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रहे हैं, कंसाइड करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड मार्कर और पेन, इसकी ये वाला पॉइंट मैं जीरो ऑफ मेन स्केल कह लेता हूं और इस पॉइंट को जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कह लेता हूं, दोनों बिल्कुल आमने सामने आ रहे हूं, तो इसका मतलब है कि यहां पे जीरो एरर जीरो है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो फिर जो देखो फिक्स स्केल तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये वर्नियर स्केल मेन स्केल की जीरो के इफ जीरो एरर इज एग्जिस्ट, अगर जीरो एरर मौजूद होता है तो कैसे होगा? तो या तो ये होगा कि मेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एट द राइट ऑफ मेन स्केल जीरो, या फिर लेफ्ट पे, ये वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो पे या तो राइट पे होगी या फिर लेफ्ट पे होगी। तो आपने यहां पे राइट और लेफ्ट दो वर्ड सुन लिए। जो चीज मूव कर सकती है वो वर्नियर स्केल है। अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट पे हो तो राइट से आप पॉजिटिव कंसीडर कर लें, जैसे कोई भी चीज राइट हो तो पॉजिटिव होती है, तो राइट उसका एरर क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर मेन स्केल की जीरो
वर्नियर स्केल के लेफ्ट पे आ रही है तो आप वहां से कंसीडर कर लें कि उसका एरर क्या होगा, नेगेटिव। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एट द राइट ऑफ द मेन स्केल देन एरर विल बी पॉजिटिव। अगर जॉस को क्लोज करने से ये इस जीरो के, ये वाली जीरो लेफ्ट पे आ रही है तो एरर क्या होगा, नेगेटिव। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं इस पॉइंट को कि आपने वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को सबसे पहले जेंटली क्लोज करना है। अगर क्लोज करने से जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ द मेन स्केल अगर डायग्राम नंबर ए के अकॉर्डिंग आ जाते हैं जो पेज नंबर 11 पे गिवन है तो एरर आपका जीरो होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, आमने सामने नहीं आ रहे, तो क्या होगा, दो तरह की पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, या तो एरर पॉजिटिव होगा या फिर एरर नेगेटिव होगा। अगर एरर पॉजिटिव होगा तो कैसे, अगर ऊपर वाला स्केल जो मूवेबल है, वर्नियर स्केल है, इसकी जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट पे आती है तो एरर पॉजिटिव है, और अगर इसके लेफ्ट पे आ रही है तो एरर नेगेटिव है। मैं दोबारा से लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेन वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट पे आ रही है तो राइट से आप पॉजिटिव कंसीडर करें तो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट पे आ रही है तो एरर नेगेटिव होगा। तो प्रीवियसली अभी हमने एक्सप्लेन किया था, एरर पॉजिटिव हो तो करेक्शन नेगेटिव होती है, एरर नेगेटिव हो तो करेक्शन पॉजिटिव होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक है। आप अगर अपने पेज नंबर 10 पे देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है, ये सारा आपने याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरर, इफ एनी एरर देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द, या एनी एरर इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नोइंग द जीरो एरर जीरो करेक्शन नेसेसरी टू मेड इट टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, सो सच अ करेक्शन इज कॉल्ड द जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव। ये वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर में जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सारे का सारा आपने लर्न करना है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि व्हाट इज जीरो एरर एंड हाउ द जीरो करेक्शन मेड, व्हाट इज जीरो एरर and how the zero correction made, what is zero error and how the zero correction is made, ये आपका working of vernier caliper के ऊपर question आ जाएगा। उसके बाद zero error of vernier caliper, zero कब होगा, positive कब होगा और negative कब होगा, इसके लिए page number 11 पे zero error and zero correction का जो पूरा topic लिखा हुआ है ये आपने मेरा बेटा याद करना है। क्या लिखा हुआ है, to find the zero error check करने के लिए क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली, आप उसके जार्स को आराम से बंदों की पुत्र की तरह बंद करें। इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन एरर विल बी जीरो, अगर ऐसा नहीं होता या तो फिर राइट पे होगा, लेफ्ट पे, राइट पे है तो पॉजिटिव और लेफ्ट पे है तो नेगेटिव। हाँ, और वो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं बेटा, आपको बार बार ये चीज बताई जाती है कि जस्ट लॉग इन ऑन campus.pk ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स की तरह क्वेश्चंस भी कर सकें और कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा और टेस्ट भी दे सकें। जी ये अन्य सब पूछ रहे हैं बेटा, अगर आपने मेरे ख्याल में कल का लेक्चर नहीं लिया, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये छोटी चीजें जिनकी लेंथ मीटर रॉड या मेजरिंग टेप से मेजर नहीं की जा सकती, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर का। सर बुक नहीं, बुक है ही नहीं तो क्या करें, मेरा बेटा अब्बा जी को पैसे दें और उनको बोलें बुक लेके आए, बुक नहीं है तो क्या करें। क्या बात की माशाल्लाह से आपने। और दूसरा ये जो आपके पास इंटरनेट मौजूद है ना, इसमें PDF लिखे ना, फिजिक्स 9 PDF करेंगे ना तो 5 मिनट से पहले क्या 2 मिनट में डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में आ जाएगी। और यहाँ पे मुझे, मैं खुद कहता हूँ मेरी बस ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा डिजिटल बॉक्स, हर घर में मिला करेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसपे यहाँ पे टीचर इनपुट देगा और आपको थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे। Why is the use of zero error necessary in measuring as to get the correct measurement, अच्छी measurement, सही measurement लेने के लिए हम जीरो करेक्शन करते हैं। सर आप क्वेश्चन का जवाब भी बहुत कम देते हैं, ये अरेज के क्वेश्चन निकालो भैया, हमने आपका क्वेश्चन क्या था जरा दोबारा लिखे। बेटा टेस्ट कैजुअल गिवन है, वहां से देखे जाके चेक करें टेस्ट कब है।
हर वीक में एक सब्जेक्ट का एक ही दफा टेस्ट होता है। बेटा ये पीटीबी बोर्ड की, पंजाब बोर्ड के बात हो रही है, फेडरल की नहीं है फिजिक्स। और जिन लोगों को क्लियर हो गया मेरा बेटा, वो भी जरा क्लियर का कमेंट भी करें। वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर में जो चीज याद करनी है वो डेफिनेशन ऑफ जीरो एरर है। मतलब पैराग्राफ याद करने से आपको जीरो एरर की डेफिनेशन और उसकी करेक्शन क्यों की जाती है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन में आपको ये पता चल जाता है कि वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव। इसके बाद टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर ना, ये हमने नहीं करना और ना ही ये पेपर में पूछा जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल है जो 10th के एग्जाम्स के बाद आप लोगों ने देना होगा। तो जिनको मेरा बेटा टेस्ट स्केड्यूल नहीं मिल रहा, मिस सभा से पूछो, आपको गाइड कर देंगी। टीचर असिस्टेंट के नाम से जो होता है ना, चलें बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, अगर क्लियर है। बेटा लाजमी कन्वर्ट नहीं करना होता, लेकिन आपको दो तरह से वैल्यूज, क्योंकि आपके स्केल मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में होते हैं, तो दोनों में आपको वैल्यूज बताई जाती हैं। इसलिए मेरा बेटा हम लोग क्या करते हैं कि आपको दोनों बता देते हैं। चले मेरा बेटा, लेक्चर टाइम पे लेना करना है, टाइम पे लॉग इन होना है, और जो क्वेश्चन मेरा बेटा पूछे वो आप जरूर पूछे। और एक चीज याद रखना, जो चीज मैं आपको बता दूं फर्स्ट चैप्टर में से, सिर्फ वही चीज लर्न करनी है। ये पॉइंट अपने माइंड में क्लियर कर लें। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।